हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेशोनी, डायरेक्टर बेंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। लेकर आए क्लिक नई वीडियो जिसके अंदर हम लोग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट के अगले सेक्शन को, मतलब सेक्शन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अब तक की वीडियो के अंदर 4 पार्ट में यहाँ पे डाल चुका हूँ, जिसके अंदर 3A और 3B दो पार्ट बने हुए हैं, उनको भी आप जाके देख लेना, जिसके अंदर सेक्शन 3 तक मैंने कवर करवा दिए। आज की वीडियो स्पेशली आपकी सेक्शन 4 और इसके प्रोविजो के साथ डील करेगी। सबसे जो आपका कॉन्ट्रोवर्सियल एक तरीके का जो प्रोविजो है इस एक्ट के अंदर, वो आपका सेक्शन 4 का जो प्रोविजो दे रखा है यहाँ पे वही है। तो ध्यान से समझना वीडियो को, एक अलर्ट मोड पे आ जाना, आपको ईयरफोन यूज़ करने हैं ताकि बाहर के आपकी कोई भी डिस्टर्बेंस है उस तरीके की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अपने पेन कॉपी और बेर एक्ट को खोल के रखना है। अगले 2 या 3 दिन के अंदर मैं इस एक्ट को ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दूंगा, जहाँ पे क्या है कि सेक्शन 5 जिसका प्रोविजो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर प्रोसीजर बता रखा है आपका, प्रोवाइजो 2 दे रखे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 94 CRPC के साथ उसको रीड विद करेंगे। 94 के साथ आपका सेक्शन 292 IPC भी आएगा, उसको भी साथ में पढ़ा जाएगा। तो बिना किसी देरी के सेक्शन 4 को आज स्टार्ट करते हैं वीडियो के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सेक्शन 4 आपका डील करता है ऑफेंस के साथ। मैंने पहले बताया था कि इस पूरे एक्ट के अंदर 2 ही सेक्शन आपके मेनली बताए गए हैं, जहां पे कोई भी एक्ट कोई पर्सन करेगा तो उसको ऑफेंस की डेफिनेशन के अंदर डाल दिया जाएगा। तो सेक्शन 4 यहाँ पे क्या बात कर रहा है, सेक्शन 3 के अंदर भी डेफिनेशन आपकी थी, किसी क्राइम के रिगार्डिंग बता रहे थे कि क्या चीज़ क्राइम होगी। प्रोहिबिशन वहाँ पे भी किया गया था, प्रोहिबिशन इसके अंदर भी किया गया है। तो क्या क्या चीज़ें बता रखी इस एक्ट के अंदर, इस सेक्शन 4 में, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स पैम्फलेट एटसेट्रा कंटेनिंग द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट। सीधी सी सिंपल सी बात हो रही है कि पब्लिकेशन को आपने रोकना है, पब्लिकेशन, और आपका दूसरी चीज सेंडिंग बाय पोस्ट, मतलब बात हो रही है सेक्शन 4 आपका बैन करता है कुछ सर्कमस्टांसिस को, कुछ काम आपके, कुछ एक्ट ऐसे हैं जिनको यहाँ पे बैन किया गया। बैन करने वाले सबसे पहले चीज आपकी बोली गई कि आप प्रोड्यूस नहीं करोगे, मतलब कोई भी आपके इनमें से कुछ मटीरियल्स आपके, मैंने ना कॉमन वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे, मटीरियल किन किन चीज़ों का, बुक का, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन फिगर और वेब सीरीज इसके अंदर देनी रखी मैंने, खुद इंक्लूड करी है, इन सबको मैंने एक कॉमन वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे, मटेरियल। तो जहाँ जहाँ मैं मटेरियल वर्ड यूज करता जाऊँगा आप समझ जाओगे कि इनमें से कोई एक चीज़ की बात हो रही है, क्योंकि हर बार इन सब का नाम लेना आपका एक थोड़ा सा कन्वीनियंस सा नहीं रहेगा, मेरे लिए भी नहीं और आपके लिए भी, बार बार आप सुनने के लिए। तो इन सब का एक कॉमन वर्ड निकाल देते हैं यहाँ पे, मटेरियल। तो जहाँ पे मटेरियल वर्ड यूज़ करूँगा ना आप समझ जाओगे कि इन्हीं चीज़ों की बात हो रही है। तो इनमें से किसी भी मटेरियल का यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करा जाएगा, मतलब सेक्शन जो 4 है वो इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन को रोक लगाता है, इन सब की चीज़ों के अंदर आपका कंटेन करता हो, मतलब ये चीज़ छपा रखी आपने, बनाई हो, उसके अंदर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन होता हो। अगर वो छप जाए, फिल्म बन गई, पैम्फलेट बन के आ गया, सर्कुलेशन हो जाए उसका, तो वो सारी चीज़ें आपकी उस ऑफेंस को कमिट कर देंगी जिसके अंदर आपके ये चीज़ें बता रखी हो, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन को। तो किसी भी मैनर में आपका क्या हो रहा है कि इन सब चीज़ों को आपने प्रोडक्शन नहीं करना, इन सब चीज़ों का निर्माण नहीं करना है, अगर करोगे तो वो फिर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन में आ जाएगा। इन सब मैटर में से आपको कोई भी चीज़ को सेलिंग नहीं करनी है, मतलब यहाँ पर रोक लगाई जा रही है, आपने बना भी दिया तो उसको हो सकता है आपको डिस्ट्रॉय करना पड़े, सेलिंग करोगे तो अगेन सेक्शन 4 के अंदर ऑफेंस में चले जाओगे। फिर आपकी बात चीज़ें हो रही है कि इस तरीके की अगर कोई भी चीज़ें आपने बनाई है तो आप उनको लेट टू हायर, मतलब किराए वगैरह पे नहीं दोगे किसी को बेचने के लिए, किसी को सर्कुलेट नहीं करोगे, आगे नहीं देखे आना कि आप इनको बेच दो, या तो ये चीज़ हो रही है या फिर आपका क्या हो रहा है, इन सब में से किसी भी एक चीज़ को आपने, किसी भी चीज़ों को यहाँ पे लेट टू हायर नहीं करके आना आगे बेचने के लिए, या फिर किसी को किराए पे भी नहीं देना यूज़ वगैरह करने के लिए भी। उसके बाद बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूट आपका 2 वे में देखा जाता है, या तो डिस्ट्रीब्यूट आप करते हो कंसीडरेशन के बदले में, मतलब पैसे लेंगे इसके बदले में, बांट के आना होता है ना जैसे, तो मतलब इनमें से किसी भी चीज़ को आपने छाप लिया, बना लिया, फिल्म बना ली, वेब सीरीज है, फिगर है, इन सब में से कोई भी चीज़ आपने बना ली या फिर सारी चीज़ें बना ली और वो आप आगे किसी को बांट के आ रहे हो, बांटना इन द सेंस होता है, मतलब एक तो बाय सैंपल दे के आगे कि हाँ इस तरीके की मेरे से और भी चीज़ आप डिमांड करोगे तो मैं इसकी सप्लाई कर दूंगा, तो एक तो होता है मतलब बाय सैंपल आपकी डिस्ट्रीब्यूशन करना, और इन कंसीडरेशन मतलब इन लियो ऑफ कंसीडरेशन भी आप बेच के, मतलब एक तरीके की सेलिंग होगी कि बदले में आप डिस्ट्रीब्यूट करके आते हो, किसी को बंटवारा बांट करके आते हो। उसके बाद बोलते हैं कि सर्कुलेशन जैसे आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट वगैरह दे देंगे या फिर किसी मैगजीन के अंदर छपवा के दे देंगे, तो वो भी आप इन सब चीज़ों को सर्कुलेट नहीं करोगे। और लास्ट बोलते हैं कि सेंड बाय पोस्ट, ये सारी चीज़ें आप पोस्ट के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पर भी नहीं भेजोगे। ये आपके सेक्शन 4 का जनरल सा प्रोविजन बता रहा है कि इन सब चीज़ों को सेल नहीं करना, प्रोड्यूस नहीं करना, लेट टू हायर नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, सर्कुलेट नहीं करना और सेंडिंग बाय पोस्ट नहीं करना। अगर इन सब चीज़ों के अंदर
इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को आपने एक तरीके से कंटेन कर रखा है, तो उस केस के अंदर अगर मतलब ये चीज़ें नहीं आ रही है फिर तो अपने आप में कोई ऑफेंस ही नहीं है। अगर इन सब चीज़ों के अंदर और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को आपने उसके अंदर कंटेन कर रखा है तो उन चीज़ों का ये छह चीज़ों के ऊपर बैन लग गया सेक्शन 4 के अंदर। अगर कुछ भी ऐसा होगा तो वो ऑफेंस की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब इसका प्रोवाइजो ऐड कर रखा है, प्रोवाइजो बोलता है कि ये सारी चीज़ें आपकी अप्लाई नहीं होंगी कुछ सर्कमस्टांसिस के ऊपर। केस भी था आपका प्रोवाइजो के अंदर, आपका फॉल करा है अविक सरकार वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, जिसके अंदर बताई थी कि जो ब्लैक स्किन और वाइट स्किन पर्सन थे उन्होंने अपनी सेमी न्यूड जो फोटो डाल रखी थी एक आपके जो टेनिस प्लेयर थे उनकी, और दूसरे के अंदर आपकी मदर ने क्या कर रखा है ब्रेस्ट फीडिंग की एक जो पिक्चर आपकी फ्रंट पेज के ऊपर मैगजीन के अंदर छपी थी उससे रिलेटेड केसेस हैं ये दोनों। इन दोनों केसेस के अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा कि केरला हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ना कोई तो प्रोवाइजो का सहारा लिया होगा ना, क्योंकि जो चीज़ है प्रोवाइजो इसी सेक्शन में फॉल करता है मेनली, क्योंकि ऑफेंस नहीं था तभी तो दोनों को आपने इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के अंदर नहीं डाल रखा। तो कहीं ना कहीं यहाँ हो सकता है कि इसी प्रोवाइजो में किसी ने किसी क्लोज के अंदर फॉल करवाया हो। तो लास्ट में आपसे ये चीज़ पूछूंगा कि कौन से के अंदर ये फॉल करेगा वो आपको कमेंट करके मेरे को बताना है। तो पहले आप प्रोवाइजो को चेक कर लेना है, बोलता है कि ये वाली सारी की सारी चीज़ें इन सब चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा केस है पहला आपका बोलता है 1A 3 प्रोवाइजो के अंदर दे रखे हैं ABC, आपके फर्दर क्लोजेस दे रखे हैं वो अलग चीज़ है उसको देख लेंगे एक बार। नॉर्मल आपका फर्स्ट ए देख लेते हैं, फर्स्ट के अंदर आपका बात करता है कि कोई भी अगर व्यक्ति की रीडिंग करी जाए तो क्या चीज़ बता रहा है फर्स्ट आपका प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू, मतलब इस सेक्शन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन सारी चीज़ों के ऊपर अप्लाई हो जाए। फर्स्ट क्या बोलता है ए के अंदर एनी बुक पैम्फलेट पेपर स्लाइड फिल्म ये सारी चीज़ आपके मटेरियल के अंदर। उसके बाद फर्स्ट बोलता है द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव टू बी जस्टिफाइड एज बींग फॉर द पब्लिक गुड, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें आपने छाप तो दी हैं एक तरीके से, आपको प्रेमा फैसाई देखने पे लग रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन आपने कंटेन कर रखा है, लेकिन प्रोवाइजो में जाएंगे तो मतलब इसके मतलब कि ये आपका प्रॉपर तरीके से ये चीज़ आपकी कंटेन नहीं कर रही है, वो किसी न किसी भलाई के लिए किसी काम के लिए भी यूज़ करी जा सकती हैं। तो मतलब कई बार एक एग्जांपल बताया ना, फेसबुक पे कोई आपका एक कमेंट डाल लेता है, मतलब आपने कोई पैम्फलेट वगैरह बना के और फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया जिसके अंदर बोल दिया कि इस तरीके की कुछ सेक्सुअल डिजीज़ यहाँ पे मैं उनका इलाज करता हूँ, कोई डॉक्टर होगा जिसने डाल दी होगी जिसके अंदर बोला कि सेक्सुअल डिजीज़ का इलाज यहाँ पे करा जाता है। तो एक तरीके से शुरू में अगर देखोगे तो हो सकता है कि इस तरीके की पिक्चर उसने साथ में ऐड कर रखी हो जिसके अंदर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन लगे वीमेन का, लेकिन वो अगर प्रोवाइजो में फॉल करता होगा अब वो क्या चीज़ है कि एक तरीके से अवेयरनेस डाल रहा है कि इस तरीके की कोई अगर बीमारी होगी तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इन इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरे पास उनका सब चीज़ों का इलाज है। तो वो एक तरीके से क्या कर रहा है लोगों को अवेयर करने का काम कर रहा है, तो वो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के अंदर नहीं आएगा। तो इसी तरीके का इसके अंदर यूज़ कर रखा है फर्स्ट के अंदर आपका बोलता है द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव टू बी जस्टिफाइड एज बींग फॉर द पब्लिक गुड। अब आपने क्या कर दिया कि वो सारी चीज़ें आपने छाप तो दी हैं, प्रेमा फसाई भी आपको लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हो रहा है, लेकिन वो प्रूव कर चुका है कि लॉ से मैं जस्टिफाइड हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैंने छापी हैं वो पब्लिक गुड के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ, प्रूव्ड एंड जस्टिफाइड टू बी यूज फॉर द पब्लिक गुड। मतलब पब्लिक गुड के लिए क्या था कि फेसबुक पे डालना पब्लिक अवेयरनेस है वो भी पब्लिक गुड के रिगार्डिंग बात कर रहा है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो यहाँ पे तो आई लेकिन वो पब्लिक गुड के लिए यूज़ कर रहा है तो उस केस के अंदर वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। दूसरे अंदर बोलता है कि वो चीज़ आपके इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, साइंस के इंटरेस्ट में हो सकता है, मतलब आप 12th तक की साइंस में या फिर पहले की किसी भी के अंदर हो सकता है कुछ पिक्चर वगैरह ऐसी पार्ट ऑफ द बॉडी के आपने छपी हुई देखते होते होंगे तो वो भी चीज़ें आपकी इसके अंदर फॉल करती है। लिटरेचर के अंदर अगर कोई चीज़ आती हो, आर्ट के अंदर आती हो, लर्निंग के अंदर आती हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी ऑफेंस के अंदर नहीं आएंगी। आर्ट के रिगार्डिंग, लर्निंग के रिगार्डिंग क्या होगी, जैसे कोई पेंटिंग है वो बनाना सिखाते हो कुछ, तो वो उसकी कुछ आपने पिक्चर वगैरह बना के फेसबुक पे या फिर किसी भी जगह पे सर्कुलेट वगैरह कर देंगे तो वो भी ऑफेंस अपने आप में नहीं माना जाएगा। और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द जनरल कंसर्न, इसको सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि ये चीज़ आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, जनरल कंसर्न से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी जनरल कंसर्न की, मतलब पब्लिक गुड के लिए भी और आपकी जनरल कंसर्न की कोई भी चीज़ होगी वो भी आपकी ऑफेंस के अंदर नहीं आएगी। मतलब ये वाली चीज़ आपने छाप दी और वो जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक कंसर्न आपने यूज़ करना है तो उस केस के अंदर भी वो आपका ऑफेंस नहीं माना जाएगा। उसके बाद आपका बी क्लोज आ जाता है कि कोई भी ऐसी स्कल्पचर्ड कोई भी चीज़, मतलब मूर्ति की बात करो, यहाँ पे कोई भी आपने मूर्ति वगैरह छाप दी है, एनग्रेव्ड और पेंटेड, मतलब एनग्रेव्ड होता है किसी चीज़ के ऊपर उकेरना वगैरह, जैसे मतलब एक पत्थर बड़ा लेके आएंगे उसको खोद खोद के छैनी और हथौड़े से क्या करते हैं उसकी पिक्चर के टाइप में कुछ बना के रख देते हैं, तो वो सारी चीज़ें, मतलब कई बार आप दिल्ली गए होंगे
दिल्ली में क्या है कि जैसे अपना अक्षरधाम है उसके अंदर भी हो सकती है, कुछ फोटोज़ हैं, वृंदावन धाम में भी गए होंगे, वहाँ पे भी कुछ फोटो लगी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी मूर्तिकारित हो रखी चीज़ें एनग्रेव्ड है, पत्थर लेके उसके ऊपर उकेरा गया या फिर उनकी पेंटिंग तैयार करी हुई हो। उसके बाद बोलता है अदरवाइज रिप्रेजेंटेड इन, या फिर वो चीज़ें आपकी एंशेंट मोन्यूमेंट्स में आती हो। अब ये मैंने एंशियंट जो आपका मोन्यूमेंट है उसके रिगार्डिंग एक केस इसके अंदर दिया हुआ है आपका फर्स्ट वाले के अंदर बी का वन, बोलता है एनी एंशियंट मोन्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, 1958 का जो आपका एक्ट है उसके अंदर अगर वो चीज़ फॉल करती होगी तो वो भी ऑफेंस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। मतलब आपके जो पुरातात्विक जो विभाग है उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उनको संभाल के रखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पुराने टाइम पे यूज़ होती हो, पुराने टाइम पे जिनको मूर्ति को बनाया गया हो सकता है कि मतलब कोई ऐसा पर्सन था, फेमस पेंटर कोई हो या फिर फेमस कोई स्कल्पचर्ड पर्सन हो, स्कल्पचर जो होता है वो आपका, तो उसने कोई फोटो बनाई हो उस टाइम पे, उसको आपने अभी भी म्यूजियम वगैरह के अंदर रखी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, वो ऑफेंस है, नहीं माना जाएगा। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन वो नहीं माना जाएगा। उसके बाद बोलता है कि कोई ऐसी मूर्ति वगैरह है जो कि आपकी टेंपल में रखी हुई है, अब वृंदावन धाम की बता रहा हूँ तो टेंपल में है, वहाँ पे आपकी कुछ न्यूड पिक्स वगैरह कुछ मिल सकती हैं इस तरीके की, तो वो आपकी टेंपल के अंदर रखी है तो वो रिलीजियस पर्पज के लिए आएगी। रिलीजियस पर्पज़ आपका लास्ट वाले के अंदर भी आता है कि कोई ऐसी मूर्ति वगैरह कोई ऐसी चीज़, मतलब मेन जो बी है क्लॉज वो आपका मूर्ति साथ ही डील करता है। फर्स्ट वाला क्या करता है कि पब्लिक गुड से रिलेटेड इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए बोलता है, दूसरे के अंदर आपका मूर्ति से रिलेटेड है, मूर्ति आपकी यूज़ हो रखी है किसी टेम्पल के अंदर, या फिर कार वर्ड यूज़ यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, कार क्या है एक्ट के अंदर भी लिखा, जैसे मतलब कुछ यात्रा वगैरह निकालते हैं जैसे गणेश जी की मूर्ति को रख के विसर्जन के लिए लेके जाना है, तो उस टाइम पे हो सकता है कि कोई ऐसी मूर्ति है जो उसकी रिलीजियस पर्पज से कोई मूर्ति बना रखी है और उसको आपने यात्रा वगैरह निकालते हैं, तो वो आपका कन्वीनियंस के लिए उनके कन्वेंस के पर्पज से कोई चीज़ यूज़ कर रखी हो तो वो कार भी यहाँ पे आएगी। फिर लास्ट आपका रिलीजियस पर्पज के लिए कोई भी ऐसी मूर्ति वगैरह जो चीज़ आपकी है ये रिलीजियस पर्पज से टेम्पल में रखी हो या फिर रिलीजियस पर्पज से अपने घर पर रखी है, पोस्टर बना के अखबार वगैरह के अंदर डाल दी या फिर ये सारे काम करते हो तो भी वो अपने आप में ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और लास्ट वन बात करता है आपका फिल्म की, फिल्म से रिलेटेड। फिल्म में आपने देखा होगा ना कि मतलब जो सर्टिफिकेट लगा होता है, सबसे पहले मूवी में जाओगे ना तो पर्दे पे सबसे पहले एक बड़ा सर्टिफिकेट लगा मिलता है जिसके अंदर यू और इधर ए ये वर्ड लिखे होते हैं, मतलब अंडर एज का और एडल्ट दोनों की बात करता है, मतलब इन दोनों के लिए वो मूवी सर्टिफिकेट ले चुकी है कि पब्लिक को एग्जीबिशन करने के लिए हम लोग अथोराइज्ड हैं, उनके पास इस सिनेमेटोग्राफ एक्ट है एक, उसका पार्ट नंबर 2 है। इसके अंदर आपके 18 सेक्शन टोटल दे रखे हैं एक्ट के अंदर, तो इस जो पार्ट नंबर 2 है ना वो आपका डील करता है सर्टिफिकेट ऑफ फिल्म फॉर द पब्लिक एग्जीबिशन, पब्लिक को दिखाने के पर्पज से आपने सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो सर्टिफिकेट के अंदर आपके यहाँ पे जिसमें मूवी का नाम होगा, एक्टर वगैरह है, किसने बना रखी है, किन चीज़ों से रिलेटेड है, और लास्ट आपका यू ए बीच में ये चीज़ भी लिखी होती है, और कहीं पर नजर जाए ना जाए इस पर जरूर आएगी यहाँ पे ये चीज़ आपकी कि अंडर एज के माइनर और आपके जो एडल्ट है सबके लिए वो मूवी है, तो उसकी जो सर्टिफिकेट मिलेगी उसके रिगार्डिंग भी आपकी ये जो सेक्शन 4 है उसके अंदर ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर यहाँ पे ये सर्टिफिकेट मिल रखा है। उसके बाद आप इस तरह की मूवी वगैरह अगर रिलीज करते हो, पब्लिकेशन कुछ कर रहे हो, तो वो ऑफेंस के अंदर नहीं आता। तो ये सेक्शन नंबर 4 था, 4 के साथ आपका प्रोवाइजो मैंने आपको करवा दिया। एक रिवीजन अगर करेंगे तो सीधी सी बात आती है कि ये वाले चीज जिनके अंदर कंटेन करता हो कोई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, तो इन सब चीज़ों का आप ना तो पब्लिकेशन करोगे, ना उसको आपने प्रोड्यूस करना है, सेल नहीं करना, लेट टू हायर नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, सर्कुलेशन नहीं करनी है और पोस्ट के थ्रू उनको भेजना नहीं है। अगर प्रोवाइजो में जाएंगे तो बोलता है कि कोई भी ये चीज़ आपकी पब्लिक गुड के लिए बना रखी हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस हो, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग और एनी अदर कोई भी आपकी जनरल कंसर्न की चीज़ें हैं, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। फिर बोलता है कि मूर्ति से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती हो जिसको आपने या तो मूर्ति बना रखी है या फिर आपकी एनग्रेव मतलब उकेर के बना रखी है, पत्थर को तोड़ वगैरह के आपने पेंटिंग कर रखी हो, ये सारी चीज़ें आपकी या तो एंशियंट मोन्यूमेंट के अंदर रखी हो एज इन एंशियंट मोन्यूमेंट की तरह उसको रख रखा हो, या फिर टेंपल के अंदर रखी हो, या रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, या फिर आपकी कोई कार वगैरह है जो कि इन आइडल्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वे करने के लिए यूज़ करी जाती हो, तो वो भी ऑफेंस नहीं है। और लास्ट बोलता है कि फिल्म से रिलेटेड अगर कोई भी फिल्म वगैरह ऐसी है जिनके अंदर सर्टिफिकेट मिल रखा हो इस पार्ट 2 ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंदर, तो वो भी आपका अपने आप में ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ये उसका प्रोवाइजो था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो मूवी थी यहाँ, जो आपकी एक मैगजीन थी, दोनों जिनके अंदर एक तो अविक सरकार का केस और दूसरा मलयालम का है, कौन से प्रोवाइजो का सहारा लेंगे इनके अंदर फॉल करेगा, तो सबसे सीधी सी ट्रिक है उनको ढूंढने की बात हो रही है किसकी, मैगजीन की, दोनों है, एक तो स्पोर्ट्स वर्ल्ड के नाम से थी और दूसरी आपकी गृहलक्ष्मी के नाम से, दोनों मैगजीन है, तो दोनों मैगजीन की बात ही कर रहे हो तो सीधी सी चीज़ है कि दोनों को इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन तो माना नहीं गया, तो वो किन किन पर्पज़ के लिए हो सकते हैं, तो प्रोवाइजो में सबसे पहले देखना है क्या वो पब्लिक गुड के लिए था
एक सिचुएशन, दूसरा बोलता क्या वो मूर्ति से रिलेटेड थी, और तीसरा देखना सीधा सा कि वो मूवी थी क्या। तो सीधी सी बात है कि दोनों मूवी तो है ही नहीं, तो आपका जो सी क्लोज है वो तो वैसे ही हट गया। फिर बात करता है मूर्ति, मूर्ति वैसे भी नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आप चले गए 4KA में। अब 4KA के अंदर भी किस में, कौन से क्लोज के अंदर उसको फोल करवाओगे, वो यहाँ पे आप मेरे को कमेंट करके बताना कि 4KA है ये, मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट वाले प्रोविजो के अंदर। अब इनमें किस क्लोज के अंदर उसको आप फोल करवाओगे वो मेरे को कमेंट करके बता देना। अगर कोई क्वेरी है सेक्शन से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर लो, वहाँ पे मेरी आईडी है, सेम नेम से ही आईडी आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप का नंबर आपको हर जगह पे मेरे पैम्फलेट वगैरह के ऊपर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करते रहें। आप क्या करते हैं कि बच्चे वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि मेरे को एक एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में वीडियो बना रहा हूँ, आपको प्रॉपर चीज़ें समझ आ रही है, समझ आ रही है तो लाइक तो करना बनता ही है ना भैया। तो ये चीज़ें आप कर दिया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।